हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, मैं जानता हूँ आप सभी लोग स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं, हम भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं बच्चास। तो बच्चों, आज तक हमने आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया का 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो आज हम उसका अगला चैप्टर मतलब पार्ट 5 ब्रह्मदत्त का संकल्प समझेंगे। तो बच्चों, हर तरह की तरह इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके नए शब्द जो कि शब्दार्थ हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे, उनका मतलब समझेंगे, फिर बाद में पाठ के विषय में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब होता है जो भविष्य में बहुत दूर की बात सोचने वाला हो, जो बहुत आगे के विषय में सोचता हो कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे आगे चल के क्या करना है, तो उसे कहते हैं दूरदर्शी। मतलब आगे की सोचने वाला, बहुत दूर तक की विचार करके कहने वाला इंसान। सहृदय, सहृदय का मतलब होता है दयालु। क्या होता है इसका मतलब? दयालु, जो बहुत ही दयालु किस्म का इंसान हो, जो हर किसी पे दया बरसाता हो, हर किसी की मदद करता हो और हमेशा कभी किसी को काम के लिए मना ना करता हो, उसे कहेंगे हम सहृदय, मतलब दयालु। न्यायप्रिय, न्यायप्रिय मतलब जो क्या करता हो, हमेशा न्याय करता हो, मतलब जो हमेशा सच का साथ देता हो, सच के फेवर में निर्णय लेता हो, मतलब हमेशा सच का साथ दे के न्याय करता हो, मतलब जो हमेशा सबकी मदद करके और न्याय के खिलाफ क्या करता हो, अच्छे से निर्णय लेता हो, उसे कहेंगे न्यायप्रिय। बखान, बखान करना मतलब होता है किसी का वर्णन करना, जिसे हम कहते हैं तारीफ करना। जैसे कभी कभार होता है ना घर में, एक के बाद किसी की जब कोई कोई बखान करता है, वर्णन करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तारीफ करना, मतलब किसी के बखान करना, मतलब तारीफ करना, वर्णन करना। तलाश, तलाश का मतलब होता है खोज, किसी चीज़ की खोज करना, ढूंढना, जिसे कहेंगे हम तलाश। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब यहाँ पे है कोई चीज़ जानने की इच्छा। जैसे कि कभी कभी हमारी जानने की इच्छा होती है ना, जिज्ञासा होती है ना कि आसमान में तारे हैं वो हमसे कितने दूर होंगे, तो और भी तरह तरह के ख्याल हमारे मन में आते हैं, तो हम उसे जानने की हमारे मन में तरह तरह की इच्छा होती है। मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठे, मतलब क्या हो, मधुर मतलब मीठे, ये फल तो बहुत मधुर हैं, मतलब ये फल बहुत मीठे हैं। अन्यायी, अन्यायी का मतलब होता है अत्याचारी, जो क्या करता हो, दूसरों पे अत्याचार करता हो, मारता हो, पीटता हो, उन पे तरह तरह के जुल्म करता हो, उसे कहेंगे हम अन्यायी, मतलब अत्याचारी। क्रूर, क्रूर मतलब कठोर, जो क्या हो, बहुत ही क्रूर हो, कठोर हो, मतलब हर किसी पे क्या करता हो, उसे दंड देता रहता हो और हमेशा अपनी चलाता हो और अपनी ही बात पे अडिग रहता हो, भले सच हो या गलत हो, फिर उसे कहेंगे हम क्रूर, मतलब कठोर। परखना, परखना मतलब जांचना, किसी चीज़ को परखने की कोशिश करना, मतलब जांचने की कोशिश करना, पता करना। प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है किसी के ऊपर असर होना, प्रभाव पड़ना। जैसे कहते हैं ना कि मैंने तो इसे इतना समझाया लेकिन उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ मतलब, मतलब तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो बच्चों, हमने इसके अच्छे से नए शब्द समझ लिए हैं, तो अब हम आगे पाठ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मदत्त का संकल्प। बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। वे बड़ी दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा के गुणों का बखान करते थकते न थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके। तो बच्चों, पहले पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि बहुत समय, मतलब कई साल
पहले की बात है कि वाराणसी नामक एक नगर था जिसमें एक राजा थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्त। वो क्या थे, बहुत ही दूरदर्शी, मतलब दूर की सोचने वाले थे और बहुत ही दयालु, और क्या थे, लोगों का हमेशा, लोगों का न्याय मतलब हमेशा अच्छा, सदा उनका सुख मतलब हमेशा अच्छे सोचते थे और हमेशा न्याय का काम किया करते थे। और क्या था, जो वहाँ की प्रजा थी वो भी क्या करती थी, उनका बहुत ही बखान करती थी, बहुत ही उनकी तारीफ, उनका वर्णन किया करती थी कि हमारे राजा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा हमारी सुख दुख में मदद करते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। परंतु क्या था, राजा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो क्या करे, उनके अवगुण मतलब उनमें जो गलत बातें हैं वो उन्हें बता सकें। ये राजा जी जानना चाहते थे कि नगर में या दूसरे कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो क्या करे, मेरे बारे में कुछ ऐसा बताए कि मेरे अंदर कुछ क्या है, अवगुण है मतलब गलत आदतें हैं। तो आगे क्या होता है, एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। अब क्या हो रहा है, एक दिन जो राजा ब्रह्मदत्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भेष बदल लेते हैं और ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल जाते हैं जो क्या करे, उनके अवगुणों को उन्हें बता सके। अब वो हर प्रांत में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि राजा ब्रह्मदत्त कैसा इंसान है। परंतु क्या होता है, जब वो लोगों से मिलते हैं दूसरे, तो हर बार हर इंसान उनको यही कहता है कि ब्रह्मदत्त नाम का जो राजा है वो बहुत ही क्या है, दयालु है और बहुत ही न्यायप्रिय है, जो हमेशा क्या करता है, न्याय करता है और बहुत ही लोगों के बारे में अच्छा सोचता है और हमेशा उनके सुख दुख में मदद करता है। आगे, अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। पूरे राज्य में घूमते हुए वे हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुँचे। अब क्या हो रहा है कि वो हर लोगों से मिले, हर तरह के, हर प्रांत के लोगों से मिले, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे थे, उनकी प्रसन्नता कर रहे थे कि राजा तो बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या हुआ, ये सुनकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई और बहुत प्रसन्न भी हुए, खुश भी हुए, लेकिन अभी भी उनका जो प्रश्न उनके मन में चल रहा था उसका अभी उन्हें उत्तर नहीं मिला था। उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा था कि कोई ऐसा इंसान मिले जो उन्हें उनके अवगुण मतलब गलत आदतों के बारे में बता सके। अब वो क्या करते हैं, घूमते घूमते पूरे राज्य में घूमते घूमते वो सब लोगों से मिले, लेकिन किसी ने उनको उनके अवगुण के बारे में नहीं बताया। अब वो क्या होता है कि वो चलते चलते क्या होते हैं, हिमालय की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, चलते चलते वो एक महात्मा बोधिसत्व हैं उनके आश्रम में पहुँच जाते हैं। अब देखिए, वहाँ आश्रम में पहुँच कर क्या होता है, अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक और बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल दिए और कहा, वत्स, ये फल खाकर जल पियो। अब क्या है कि बेचारे जो राजा बोधिसत्व जो भेष बदले हुए थे वो सब जगह घूम घूम के क्या होते हैं, हिमालय की ओर निकल जाते हैं। वहाँ जाके एक महात्मा बोधिसत्व का आश्रम मिलता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो अंदर जाते हैं आश्रम में और जो महात्मा बोधिसत्व हैं उनको हाथ, दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करते हैं और चुपचाप से क्या करते हैं, एक ओर बैठ जाते हैं। और क्या होता है, उन्हें बहुत भूख भी लगी थी और बहुत ज़ोर से प्यास भी लगी थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से घूम रहे थे, इसलिए सीधी सी बात है उन्हें भूख और प्यास तो लगेगी। अब क्या होता है कि जो बोधिसत्व थे वो उन्हें देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये लीजिए वत्स, थोड़े पके हुए फल, एक काम कीजिए, ये फल खाइए और थोड़ा सा पानी भी पी लीजिए और विश्राम कीजिए। आगे क्या होता है, राजा ब्रह्मदत्त ने शौक से फल खाकर जल पिया। उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवान, फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं, इसका क्या कारण है। अब क्या हो रहा है कि जब जो वो क्या बोलते हैं, बोधिसत्व महाराज होते हैं, उन्हें फल और पानी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मीठे फल खाते हैं और पानी पी लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, राजा ब्रह्मदत्त जो कि भेष बदले हुए हैं वो क्या करते हैं, वो फल खाते हैं और देखते हैं कि वो तो जो फल है वो स्वाद में कैसे हैं, बहुत ही मीठे हैं। और
इस बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, महात्मा से पूछते हैं कि भगवान मुझे ये बताइए आप प्रभु कि ये जो फल हैं जो आपने मुझे खाने के लिए दिए हैं वो इतने मधुर मतलब इतने मीठे क्यों हैं और इतने स्वादिष्ट क्यों हैं, इसका क्या कारण है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। राजा ब्रह्मदत्त की बात सुनकर बोधिसत्व मंद मंद मुस्कराने लगे, बोले वत्स, इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज करता है। अब क्या होता है कि जब राजा जो ब्रह्मदत्त हैं वो क्या करते हैं, बोधिसत्व से पूछते हैं कि भगवान मुझे ये बताइए कि इस फलों में ऐसा क्या है जो ये इतने मधुर हैं और स्वादिष्ट हैं। तो क्या करते हैं, महात्मा बोधिसत्व होते हैं वो मंद मंद मतलब मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, इस राज्य का राजा क्या है, बहुत ही धर्मी है और न्यायप्रिय है, इसलिए यहाँ के फल क्या हैं, बहुत मीठे हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 30 समझ ले रहे हैं और हमने इसके शब्दार्थ भी जान लिए हैं। अगले भाग में हम पेज नंबर 31 और 32 को समझेंगे। यदि इस पेज में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।